नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे टेक्नोलॉज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो लाया हूँ, ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है, जो स्ट्रेटजी को दो इंडिकेटर के कंबाइन से शो किया गया है। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, इससे आपको एक अच्छे खासे नॉलेज मिलेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए हर एक वीडियो के राइट बॉटम कॉर्नर पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जस्ट क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टेक्निक एंड स्ट्रेटजी अपलोड किए हैं, आप इंट्राडे पे भी और ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बिल्कुल फ्री वीडियोस है दोस्तों, कोई भी पेड वीडियोस नहीं है, तो आप फ्रीली देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको हेकेनेसी कैंडल स्टिक चार्ट को चूज़ करने हैं, जिसके टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, ठीक है। ये एक सेटिंग हो गया। सेकेंड सेटिंग है दोस्तों, आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ करना है। दोस्तों, मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक ट्रेंड एनालिसिस इंडिकेटर है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, कोई भी स्टॉक के ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए, कि वो बुलिश ट्रेंड में जा रहा है कि बेरिश ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जो सेटिंग्स है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको सिलेक्ट करना है, और जो पीरियड रहेगा वो 200 के, ठीक है, यही वाला सेटिंग आप फॉलो कीजिएगा। और प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर के जो सेटिंग है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है, मतलब फील्ड जो क्लोज है वही, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जब भी कैंडल मतलब मार्केट आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, उस टाइम आप बाई करेंगे, और जब भी आपके स्टॉक जो स्टॉक को आप सिलेक्ट किए हैं, आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आएगा, आप उस टाइम सेल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं एक ऐसा डे को चूज़ करता हूँ दोस्तों, जिस डे में प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ है, बहुत वोलेटाइल है, बहुत अप एंड डाउन हुआ है प्राइस, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर मार्केट को एक तरफ मूव करता है, मतलब अगर कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है या कंटिन्यूसली अप जा रहा है, उस मार्केट सिचुएशन में आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे, या आप कोई इंडिकेटर ना भी यूज़ कीजिए तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, प्रॉब्लम होता है साइड बेस मार्केट में। जब साइड बेस मार्केट में आप अगर ट्रेडिंग में एंट्री कर चुके हैं या करने चाहते हैं, तो उस टाइम आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो सजेशन यही रहेगा कि अगर मार्केट साइड बेस में है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा इमोशंस क्रिएट होता है कि नहीं, ट्रेडिंग करना ही है आज, ठीक है। तो अगर उस तरह की इमोशन आप पे भारी हो रहा है दोस्तों, तो ये इंडिकेटर आप यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट से निकले ना निकले, लॉस लेके नहीं निकलेंगे मार्केट से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे लॉस लेके ना निकलें। तो चलिए दोस्तों, आप एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रेटजी का। तो पहले तो कोई एक डे चूज़ करना पड़ेगा। मैंने VDL का स्टॉक लिया है, वेदांता का, ठीक है। तो एक मिनट, ये है देखिए दोस्तों, 16 अगस्त के जो चार्ट पैटर्न है आप देखिए, ये पहले तो अप जाता है, फिर ये कंटिन्यूसली डाउन होता है, ठीक है। तो फिर ये एक साइड बेस रेंज पे रहता है, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली डाउन होता है, फिर यहाँ से वो अप होता है, ठीक है, फिर थोड़ा साइड बेस रेंज पे रहता है, फिर कंटिन्यूसली डाउन होता है। तो ऐसा मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे, आप सिंपली इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, आप अपने मूविंग एवरेज इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, और उसके बेसिस पे ही आप बाइंग और सेलिंग करते रहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको वॉल्यूम इंडिकेटर को भी दिमाग में रखना है, कि वॉल्यूम इंडिकेटर भी आपको सेम चीज़ शो कर रहा है कि नहीं। अगर ऑपोजिट चीज़ शो कर रहा है, या वॉल्यूम इंडिकेटर आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उस कन्फ्यूजन जोन में आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, स्टार्टिंग से ही वॉल्यूम प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो आप चाहे तो ये जो कैंडल बना है, थर्ड कैंडल, जो कि आपके मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, मतलब क्लोज भी ऊपर हुआ है, मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है, तब इस टाइम बाइंग कीजिए, ठीक है।
और आप चाहे तो इस जो रेड कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं यहाँ सेल करके आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाइए, या फुल्ली इंडिकेटर को यूज़ कीजिए। तो इंडिकेटर का जब, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपके वॉल्यूम इंडिकेटर क्या शो कर रहे हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर देखिए कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है 145 डिग्री स्लोप पे, तो मतलब, और प्राइस भी देखिए डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में आने वाला है या आ चुका है। तो आप बीच में कभी भी आप सेल करके निकल जाइए, अगर मतलब मूविंग एवरेज आपको सेल करने का ऑप्शन नहीं दिया है फिर भी, क्योंकि आपके जो वॉल्यूम इंडिकेटर है और प्राइस इंडिकेटर है दोनों मैच खा रहे हैं, ठीक है। तो आप निकल जाइए बीच में कहीं भी, ये एक चीज़ कर सकते हैं आप। नहीं तो आप अगर मूविंग एवरेज को ही फॉलो कीजिएगा तो ठीक है, आप जब ये बड़ा कैंडल जो ये क्रॉस किया इसको, मतलब ये पहला क्रॉस किया मूविंग एवरेज को, फिर ये जो बड़ा कैंडल बना आप यहाँ पे सेल कर दीजिए 290.35। अब बाय कितना में किए थे, लगभग 290.4, तो आप लगभग 0.1 का एक छोटा सा लॉस में है, ठीक है। ये इतना आपको स्टॉप लॉस या रिस्क पॉइंट एटलीस्ट 0.5 का, ये तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा मार्केट में। आप कैसे भी ट्रेड कीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, और आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिएगा बेस्ट है। ये जो कैंडल पे आप बाई किए हैं, ये जो उसका पिछले वाला जो बड़ा कैंडल है उसका नीचे, मतलब 289.8, लगभग 289.8 पे आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है, 0.5 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो आप यहाँ से सेल करके अपना ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए, जिसमें आपको 0.5 का लॉस हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड ट्रेडिंग आपको कब करना है, ये जो रेंज है उसके बाद देखिए, ये साइडवेज रेंज में आप से ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, उसी के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये साइडवेज पे आप ट्रेडिंग मत कीजिए। और आप मूविंग आपके जो वॉल्यूम इंडिकेटर है उसको भी देखिए, ये कंटिन्यूअसली सेम रेंज पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, ठीक है, ये बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं और नीचे भी बन रहे हैं, मतलब मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे कैंडल बन रहे हैं, मतलब आपके बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इस टाइम आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम आप वॉल्यूम के भी देखिए, तो डेफिनेटली वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को भी देखिए, तो वॉल्यूम भी यहाँ एक हाई बनाया था, ये वॉल्यूम के हाई को अभी तक तोड़ा नहीं है, और ये कंटिन्यूअसली डाउन होके ये डाउन ही आ रहा है, देखिए यहाँ से ये डाउन ही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जाके उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो शॉर्ट सेल कर दीजिए, और शॉर्ट सेल करके आप ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। मतलब आप अगर 290 पे खरीदे हैं तो ये 290.8 पे आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है, 0.8 का। तो आप देखिए आपका मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट देखिए, वॉल्यूम का मूवमेंट देखिए, और आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस कब करता है ये देखिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो डाउन आया, डाउन आके फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर से वो डाउन आया और ये लो को तोड़ा, ठीक है। तो इससे आप और एक बार कंफर्म हो गए कि ये अब बेयरिश ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है, ऐसा एजम्पशन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूअस अपसाइड में मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, और ये जो हाई बना था इस हाई को ये कैंडल तोड़ चुका है ऑलरेडी। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है, क्योंकि वो हाई तोड़ा है। लेकिन आप वॉल्यूम को भी उस टाइम एनालिसिस कीजिए, वॉल्यूम क्या बोल रहा है। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये कैंडल पे जो हाई बना था वॉल्यूम के, ये कैंडल जो हाई तोड़ा है वो इस वॉल्यूम को तोड़ा नहीं है दोस्तों, ये वॉल्यूम के नीचे ही है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहे, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग जोन है, इस कंफ्यूजिंग जोन में आप अपने स्टॉक को मत बेचिए, आप स्टॉप लॉस तक वेट कीजिए। जो स्टॉप लॉस ऑलरेडी आप प्रोवाइड किए हैं उस स्टॉप लॉस को वेट कीजिए, स्टॉप लॉस तक। अगर आप प्रॉफिट में हैं अच्छा खासा तो आप मार्केट से निकल सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल प्रॉफिट में नहीं हैं तो आप मत बेचिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम आपको ये शो नहीं कर रहा है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में आया है, क्योंकि
वॉल्यूम एक स्मूथ मूव कर रहा है और ये हाई को नहीं तोड़ा है, अपना प्रीवियस हाई को, ठीक है, लेकिन प्राइस तोड़ चुका है। मतलब प्राइस के साथ वॉल्यूम का एक यहाँ डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है और अभी तक वो आपके मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं किया है। देखिए, या मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है लेकिन वॉल्यूम अपना प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है, तो ये कंफ्यूजिंग जोन है। यहाँ पर आप अपने स्टॉक को स्टॉक से बाहर मत लिख लिए, मतलब अपने ट्रेड से आप वेट कीजिए कब तक वो अपना स्टॉप लॉस को तोड़ता है, ठीक है। आप देखिए फिर मूवमेंट देखिए दोस्तों, फिर से डाउन आ गया क्योंकि वॉल्यूम शो कर रहा था कि वो अभी डाउन ट्रेंड में है, वो अभी अप ट्रेंड में आए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ तक प्राइस डाउन पाया, फिर प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। तो इस अब आप वॉल्यूम का बिहेवियर भी देखिए, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से लो बनाया, ठीक है, यहाँ फिर एक लो बना के ऊपर जा रहा है और यहाँ देखिए दोस्तों ये जो प्राइस का कैंडल है, ये प्राइस का कैंडल ये प्रीवियस हाई को भी तोड़ा, ये हाई को, ठीक है, ये हाई को तोड़ा और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी ये प्रीवियस हाई को तोड़ा। मतलब आपके वॉल्यूम आपके प्राइस के साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ एक अच्छा चांस बनता है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में जा सकता है। तो आप यहाँ से निकल सकते हैं मार्केट से एक प्रॉफिट बुक करके, जितना प्रॉफिट आप अर्न किए हैं, अगर आप यहाँ पर सेल किए होते, शॉर्ट सेल किए होते इस जगह में लगभग 290 पे, और आपको यहाँ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अब बुलिश ट्रेंड में आने वाला है, भले वो मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, मतलब इस जगह में 288, मतलब 2 पॉइंट के प्रॉफिट से आप मार्केट से निकल सकते हैं। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले आप 0.5 पॉइंट के लॉस में थे पहले ट्रेड में, लेकिन सेकंड ट्रेड में आप क्या हो गए, आप 2 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए इस इंडिकेटर को यूज़ करके, ठीक है। तो आप अगर ऐसा देखना चाहते हैं कि वो मूविंग एवरेज को कब क्रॉस कर सकता है, तो भी आप वॉच कीजिए कि मूविंग एवरेज को कब क्रॉस करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, आप यहाँ अगर बेचते हैं 289, फिर भी आप 1 पॉइंट प्रॉफिट में रहते हैं, और ओवरऑल जो 0.5 आपका लॉस हुआ था और यहाँ 1 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब अभी तक आप 0.5 पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में है। और यहाँ एक मज़ेदार चीज़ देखिए दोस्तों, वॉल्यूम इस पॉइंट से ही शो कर रहा है कि अब जा रहा है कंटिन्यूअस, ये अपने हाई को तोड़े जा रहा है, इस हाई को भी तोड़ा, इस हाई को भी यहाँ वॉल्यूम तोड़ा, मतलब वॉल्यूम ऐसा शो कर रहा है कि मार्केट अच्छा अब बुलिश ट्रेंड में आने वाला है, और प्राइस भी शो कर रहा है, और ये आपके मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर आया, तो अब यहाँ एक बाइंग कर दीजिए आप, अपना मार्केट को, मतलब जो सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का जो ट्रेड था उसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ एक बाइंग कर दीजिए। आप देखिए इसका रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, वॉल्यूम भी शो कर रहा था कि आपके मार्केट बुलिश ट्रेंड में अब जा रहा है, प्राइस भी शो कर रहा था मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, और आपके मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, ठीक है। तो आप बाइंग अगर करते हैं यहाँ 289 पॉइंट पे, लगभग 289.2, तो आप एंड तक देख लीजिए कितना प्रॉफिट इनकम करते हैं। आप अगर यहाँ भी इसको बेचते 296, मतलब 7 पॉइंट का प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 1 पॉइंट प्रीवियस, लगभग आप टोटल 3 ट्रेड किए, पहला ट्रेड में आप 0.5 का लॉस खाएं जो आपके पहला ट्रेड था, सेकेंड ट्रेड में आप 1 पॉइंट का प्रॉफिट किए हैं, और थर्ड ट्रेड में आप 7 पॉइंट का प्रॉफिट किया, मतलब टोटल 8 पॉइंट का प्रॉफिट किए और 0.5 का लॉस किए, मतलब टोटल 7.5 पॉइंट का प्रॉफिट किए हैं आप ऐसा मार्केट में, जहां मार्केट पहले से ही कंटिन्यूस अप एंड डाउन जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दोनों इंडिकेटर को यूज़ करके वॉल्यूम को और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके और प्राइस के बिहेवियर को देख के आप एक साइड बेस मार्केट पे भी एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उसी इंडिकेटर को फॉलो कीजिएगा बाइंग और सेलिंग के लिए, कभी भी ऐसा
मत कीजिएगा कि अगर बाई आप इंडिकेटर को फॉलो करके कर रहे हैं तो सेल आप खुद के इमोशन को या खुद के भावना से सेल कर रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, लॉस खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मार्केट आपको बाइंग के इंडिकेट कर रहे, बाइंग करने का टाइम और सेल करने का टाइम भी अगर इंडिकेट कर रहे इंडिकेटर, तो आप एक चांस मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप मार्केट से लॉस लेके नहीं निकलेंगे। और आप कंटिन्यूअस अगर 1 सप्ताह 1 वीक तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो 1 वीक के बाद आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में हैं वीकली। ठीक है, तो यही कहना था दोस्तों। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, प्लानिंग से ट्रेडिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग कीजिए। आप इमोशन को हावी मत होने दीजिएगा शेयर मार्केट में कभी भी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए। और ऑलरेडी मैंने 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ उसे भी आप वॉच कीजिए। बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजीज मैंने शो की हैं उसमें, इंट्राडे पे भी और ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी। तो आपको मेरे चैनल के वीडियोस में या प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे वो। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अगेन।